150 भारतीय जो हिंदुस्तान सुरक्षित पहुंचे हैं, अफगानिस्तान से 150 भारतीयों को सुरक्षित देश ले आया गया है। ये जामनगर की तस्वीरें आपके सामने हैं, जामनगर एयरबेस पर जहां C-17 ग्लोब मास्टर लैंड किया, जो 150 भारतीयों को सुरक्षित हिंदुस्तान लेकर आया है। अफगानिस्तान में फंसे हुए थे ये 150 भारतीय, इन्हें लेकर एयरफोर्स का C-17 विमान हिंदुस्तान सुरक्षित लैंड कर चुका है। महत्वपूर्ण ये कि इसमें भारतीय राजदूत भी वापस आ गए हैं। तो अफगानिस्तान के हालात पर भारत सरकार ने नजर बना रखी है। भारतीय राजदूत आर टंडन जब सुरक्षित वापस हिंदुस्तान लौटे तो मीडिया के सामने उनकी तरफ से बात कही गई। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जामनगर एयरबेस पर C-17 एयरफोर्स का ये विमान जो लैंड कर चुका है, और आप देख सकते हैं वो भारतीय जो सुरक्षित हिंदुस्तान लौटे हैं उनके चेहरे पर आप देख सकते हैं सुकून, राहत की सांस लेते हुए वो, क्योंकि लगातार खतरा अफगानिस्तान में बढ़ता जा रहा था तालिबान की वजह से। तो जामनगर पहुंचा C-17 विमान, 150 भारतीय काबुल से लौटे, देश वापसी का जश्न मनाते भारतीय जामनगर एयरबेस पर, और वंदे मातरम के जयकारे जो इन भारतीयों ने लगाए। अफगानिस्तान के हालात को देखते हुए भारत ने अफगानिस्तान से अपने राजदूत को भी वापस देश बुला लिया है। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं, मेरे साथ मेरे सहयोगी प्रणय उपाध्याय इस वक्त मौजूद हैं। प्रणय, 150 भारतीय जो अफगानिस्तान में फंसे हुए थे वापस सुरक्षित भारत लौट आए हैं, बड़ी उपलब्धि? निश्चित रूप से बड़ी उपलब्धि, और बड़ी उपलब्धि इस लिहाज से भी रोमाना कि जिन हालात में ये भारतीय वहां से निकल के आए हैं, कल रात से लेकर अब तक जब तक ये हवाई जहाज जामनगर नहीं उतर गया तब तक जिस तरीके की का घटनाक्रम रहा, खासतौर पर काबुल में इस विमान के उड़ान भरने के पहले तक डावाडोल स्थिति थी, पता नहीं था ये विमान उड़ पाएगा नहीं उड़ पाएगा। पूरी रात जो है वो लोगों ने आंखों में गुजारी है, खासतौर पर मिशन का स्टाफ में, क्योंकि महज 15 मिनट का रास्ता है इंडियन एम्बेसी से लेकर काबुल के इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक पहुँचने का, लेकिन इस रास्ते को पार करने में 3.5 घंटे से ज़्यादा का वक्त लगा। अलग अलग जगह तालिबानी नाके लगे हुए थे, तालिबानी जो लड़ाके थे उनकी पहरेदारी थी, और उसमें मिशन से लेकर एयरपोर्ट तक के बीच में इस पूरे रास्ते को पार करने के लिए कई बार कॉन्वॉय को रोका गया। रात को 8:30-9 बजे के आसपास तो रोमाना ये स्थिति थी कि लग रहा था कि शायद ये उड़ान मुमकिन भी हो पाएगी कि नहीं मुमकिन हो पाएगी, क्योंकि उस काफले को वापस लौटाना पड़ा, लोगों को अलग अलग जगह से एक जगह पर लाना, सुरक्षित उन्हें एयरपोर्ट पर पहुंचाना, और एयरपोर्ट पर भी ऐसे में जबकि पूरी अफरा तफरी का माहौल हो, पता नहीं किसके भेस में कौन है वहां पर ये पता ना हो, ऐसे में लोगों को और खासतौर पर मिशन के स्टाफ को सुरक्षित रखना, ITBP के जवान थे इसके अंदर 100 से ज्यादा, उन लोगों ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई कि ये सारे लोग सुरक्षित अनहर्ट भारत की जमीन पर पहुंच गए। निश्चित रूप से ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि कही जा सकती है जिन मुश्किल हालात में ये टीम वहां से वापस आई है, जिस तरीके की स्थितियों के अंदर, जिस तरीके का नेगोशिएशंस का दौर चला, जिस तरीके से बातचीत की गई, जिस तरीके से ये रास्ता निकाला गया कि भारतीय सुरक्षित अपने वतन अपनी जमीन पर लौट सकें। और अफगानिस्तान में भारतीय राजदूत आर टंडन साहब भी वापस आ गए हैं। कोई अब आंकड़ा जो सामने आ रहा है कि अभी भी कुछ भारतीय अफगानिस्तान में फंसे हुए हैं, प्रणय उपाध्याय? जी रोमाना, अभी भी कुछ लोग हैं, और इसके साथ साथ एक बड़ी संख्या उन लोगों की भी है जो लोग अफगान हैं लेकिन भारत आना चाहते हैं, चाहे वो अफगान मूल के सिख हों, कुछ हिंदू हों, इन लोगों के साथ भी भारतीय मिशन जो है, भारतीय अधिकारी वो संपर्क में हैं, और लोगों के लिए ई वीज़ा की प्रोसेस शुरू कर दी गई है, ई वीज़ाज इशू भी किए जा रहे हैं, और उम्मीद की जा रही है कि अगले कुछ दिनों में जबकि काबुल एयरपोर्ट के ऊपर कुछ ऑर्डर स्थापित हो जाएगा, कुछ चीज़ें नियंत्रण में हो जाएंगी, तो कमर्शियल ऑपरेशन स्टार्ट होते ही अगले जो फ्लाइट्स हैं उनके साथ इन लोगों को वहाँ से निकाला जा सकेगा। तो अभी इस निकासी का मिशन पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है, ये बात जरूर है कि सबसे पहले चिंता थी भारत के इस मिशन स्टाफ की, भारत के सुरक्षा कर्मियों की, कुछ लोगों को जिनको इस विमान के साथ लाया जा सकता था, क्योंकि एक बहुत बड़ी समस्या ये भी आ रही है रोमाना कि अलग अलग अफगानिस्तान के अलग अलग हिस्सों में अगर कुछ लोग मौजूद हैं, वो आना भी चाहते हैं, तो उन्हें किस तरीके से काबुल पहुंचाया जाए, और काबुल पहुंचाने के बाद किस तरह से उन्हें एयरपोर्ट पर पहुंचाया जाए, तो इसको लेके फिलहाल चिंताएं हैं, फिलहाल चुनौतियां हैं, और जो एक्सपीरियंस बीते 12 घंटों के दौरान रहा है वो निश्चित रूप से ये बताता है कि तालिबान भले ही
राजनीतिक तौर पर बयानों में ये कह रहे हो कि वो तमाम लोगों को सिक्योरिटी दे रहे हैं, सबकी सुरक्षा इंश्योर की जा रही है, लेकिन जो ज़मीन पर नज़र आ रहा है वो कतई ये इशारा नहीं करता है कि स्थितियाँ बहुत आसान हैं और सब लॉ एंड ऑर्डर वहाँ कायम है, बल्कि ये चुनौतियाँ और बढ़ गई हैं क्योंकि अलग अलग गुट हैं, कौन किस तरह से वसूली कर रहा है, कौन किस तरीके से वहाँ नियंत्रण कर रहा है, कौन से नाके लगाए गए हैं, इसमें एक तरीके से लॉलेसनेस की स्थिति फिलहाल अफगानिस्तान में काबुल में नज़र आ रही है और यही वजह थी कि प्राथमिकता के तौर पर फिलहाल मिशन के स्टाफ को, भारत के जो राजदूत हैं, मिलिट्री अटाशे हैं, जो डिफेंस अटाशे हैं, उनके अलावा वरिष्ठ अधिकारियों को वहाँ से निकाला गया है, जो ITBP के 100 जवान थे, जो मिशन के स्टाफ की सिक्योरिटी में तैनात थे, उन्हें वहाँ से निकाला गया है, कुछ लोगों को भी, कुछ नागरिक जो वहाँ थे उन्हें भी निकाला गया है और अब उम्मीद की जा रही है कि अगले कुछ दिनों में अगर जब जो काबुल एयरपोर्ट है उस पर सिविल एविएशन ऑपरेशन शुरू हो जाते हैं तो कमर्शियल फ्लाइट्स के ऑपरेशन के जरिए और लोगों को भी निकालना मुमकिन हो सकेगा। जी रोमना, प्रणय मैं आपके पास दोबारा लौटूंगी, आप रहिए मेरे साथ। इस बीच जब जामनगर ये C-17 ग्लोब मास्टर अफगानिस्तान से सुरक्षित भारतीयों को, 150 भारतीयों को लेकर पहुंचा है तो वहां पर कैसे भारत माता की जय के नारे लगे हैं, जरा ये सुनिए। ABP News आपको रखे आगे।